Hi guys, welcome back to JetLab Tech Tips. We are back with another PC build video. तो guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1.2 lakhs के अंदर एक ऐसा PC build जो आपको gaming, editing, streaming सब कुछ करा सकता है. सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. पीसी ऑर्डर किसने किया है? तो ये पीसी ऑर्डर किया है शेखर ने फ्रॉम गुलबर्गा कर्नाटका. यार मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, नॉर्थ वाले हैं हम, बट समझ गए कहां से है, कर्नाटका से ये पीसी उन्होंने ऑर्डर किया है. तो बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं 1.2 लाख के अंदर. एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बता दूं तो 1,18,000 रुपए है. अब इसमें क्या क्या यूज किया है सबके बारे में बात करेंगे. इतनी बढ़िया सी जो कैबिनेट देख रही है कौन सी है इसके बारे में बात करेंगे. तो मिलते हैं छोटे से इंट्रो. लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कुछ ऐसा सही पीसी बिल्ड करना चाहते हो या फिर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो हमारी वेबसाइट पर जाओ jetlabtechnologies.com पर. हमारे कस्टम पीसी बिल्डर पर जाकर अपना ड्रीम पीसी बिल्ड आप कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कौन से कंपोनेंट्स चूज करने हैं, क्या कंपैटिबिलिटीज हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर जाओ 9650468554 पर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करो. हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका ड्रीम पीसी सिलेक्ट करने में. कस्टम पीसी बिल्डर के अलावा प्रीबिल्ट पीसीज भी हैं, कंपोनेंट्स भी हैं, बहुत कुछ है हमारी वेबसाइट पे, आप जरूर जाके चेकआउट करिएगा. इन सब के अलावा अगर आप हमारे स्टोर पर आना चाहते हैं, ऑफलाइन आकर बाय करना चाहते हैं, हमसे मिलकर बातचीत करके कुछ पीसी लेना चाहते हैं, तो हमारा स्टोर है नेहरू प्लेस में, दीपाली बिल्डिंग में हमारा स्टोर है. गाइस आप बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की. तो यहां पर सबसे पहले बात कर लें अगर प्रोसेसर की, तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं एएमडी का लेटेस्ट लॉन्च राइजन 7 7700X प्रोसेसर. तो ये एक प्रोसेसर है जो आपको 12 कोर और 24 थ्रेड के साथ आता है. प्लस ये जो प्रोसेसर है ये अमेजिंगली फास्ट है क्योंकि इसमें DDR5 RAM कंपैटिबिलिटी है और AMD का लेटेस्ट AM5 सॉकेट कंपैटिबिलिटी है. तो उसके साथ ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स तो है ही, बट आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखने के लिए मिल जाती हैं. इसके अलावा गाइस जो हम मदरबोर्ड पेयर कर रहे हैं इसके साथ वो होगा गीगाबाइट का B650M गेमिंग एक्स AX, मतलब कि इसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी है. माइक्रो ATX साइज का मदरबोर्ड है एंड राइजन 7 प्रोसेसर के लिए जस्ट एप्ट है. इसके अलावा इस मदरबोर्ड का जो साइज है वो नॉर्मल साइज वाला मदरबोर्ड नहीं है, तो कुछ पोर्ट्स एंड कंपैटिबिलिटीज कम देखने के लिए मिलेंगी. जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही ARGB एडर है, जो कि अगर कुछ आप हाई पीसी बिल्ड कर रहे हो या बहुत सारे ARGB रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये मदरबोर्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. हालांकि एक बहुत सिंपलिस्टिक सा बिल्ड था तो उसके साथ हम लोगों ने ये वाला मदरबोर्ड चूज किया है. रैम के लिए क्योंकि DDR5 ही कंपैटिबल है सिर्फ अभी AMD Ryzen 7000 सीरीज, तो रैम हम लोग यूज कर रहे हैं टोटल 32 GB ऑफ T-Force Vulkan Z clocked at 5200 MHz. DDR5 RAM जा रही है इसमें 16 GB के दो स्टिक्स. स्टोरेज के लिए फिलहाल सिर्फ 1 TB स्टोरेज यूज हुई है जो कि है WT की तरफ से आने वाली उनकी SN770. ये जो SSD है गाइस ये 5150 MB पर सेकंड की रीड एंड राइट स्पीड देती है एंड दैट इज जस्ट फाइन. SSDs जो है गाइस बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है इस टाइम मार्केट में. आपको प्राइसेस अराउंड 1/3 तक स्लैश करते हुए नजर आ रहे होंगे, चाहे सैमसंग हो चाहे WD हो, सभी के सभी SSDs बहुत ज्यादा सस्ती हो रखी हैं. तो PC बाय करना इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा सस्ता हो रखा है, चाहे आपके प्रोसेसर्स हो, चाहे ग्राफिक कार्ड्स हो, SSDs हो, RAMs हो, हर चीज काफी सस्ती हो रखी है. तो जो लोग भी PC बिल्ड करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जब आप अपने PC के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो. इसके अलावा आगे बढ़ते हैं गाइज, बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की. तो यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो होगा MSI का Ventus 2X RTX 3050 8GB वेरिएंट है एंड इस पीसी बिल्ड के हिसाब से जस्ट एप्ट है. हालांकि 8GB के ये जो वेरिएंट है अराउंड 24-25 हजार की रेंज में आपको देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप 24-25 हजार रुपए स्पेंड कर रहे हो तो देर आर मच बेटर ऑप्शन इन द मार्केट अगर आप NVIDIA को छोड़ना चाहते हो तो, क्योंकि NVIDIA के अलावा AMD में भी RX 6600 जैसा ग्राफिक कार्ड है जो इससे बेटर परफॉर्म कर सकता है. Intel में ARC A750 है जो दोनों से बेटर परफॉर्म कर सकता है. हालांकि Intel की उतनी अच्छी पब्लिसिटी नहीं हो पा रही है, बट ARC A750 जो है वो 8GB वेरिएंट भी है और परफॉर्मेंस में भी 3060 से अराउंड 2.5% ही नीचे है. तो उसकी प्राइसिंग जो है वो अंडर 24,000 रहती है, बट परफॉर्मेंसेस इन सभी ग्राफिक कार्ड से बेटर है. हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर Ventus 2X यूज किया क्योंकि कस्टमर वॉज एन NVIDIA फैन, तो फिर इस बजट में NVIDIA का एक 3050 ही आएगा. अब क्योंकि एक Ryzen 7 7700X है एंड 3050 ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है तो फिर 750 वाट की हम लोगों ने सोचा कि इस पावर सप्लाई विल बी द राइट चॉइस. तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं Deepcool की PM750D गोल्ड रेड पावर सप्लाई जो कि एक डिसेंटली परफॉर्मिंग पावर सप्लाई है, कम्स विद 5-year वारंटी एंड इसके अलावा आपको क्या ही चाहिए. अब गाइज 7700X is a very hot running processor, तो उसके साथ एक minimum 360M का liquid cooler तो recommended रहता है. तो यहाँ पर हम लोग use कर रहे हैं Galaxy का Hydra Vortex 360M liquid cooler in black color, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. अब guys, जो ये cabinet है, इस cabinet का नाम है Fractal Design की तरफ से आने वाली उनकी Focus 2. This is a very simplistic, very minimalist design के साथ ये cabinet आती है and काफी अच्छी build quality है.
हालांकि इसमें आपको दो 140mm के फैंस इन द फ्रंट साइड देखने के लिए मिलते हैं, बट हम लोगों ने जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर तीन फैंस लगे आपको नजर आ रहे होंगे 120mm के, जो कि एक्चुअली में हमारा लिक्विड कूलर के फैंस हैं। तो हमने लिक्विड कूलर को आगे माउंट किया है इस कैबिनेट के, एंड जो 140mm के दो फैंस थे आगे उनको हमने ऊपर माउंट कर दिया है। तो इसके साथ पूरी लुक कंप्लीट हुई है और ये कैबिनेट हमारी पूरी बढ़िया लुक से आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा गाइज इसमें आपको ऊपर भी अच्छे खासे पोर्शन कंपैटिबिलिटीज मिल जाती हैं, जो कि एक फ्रैक्टल डिजाइन की कैबिनेट से बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड रहती है। तो ओवरऑल जो पीसी बिल्ड वैल्यू है, गाइस वो है अंडर 1.2 लाख रुपीज। दिस इंक्लूड शिपिंग एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व। हालांकि इसकी अभी टेस्टिंग होनी बाकी है, हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तब तक के लिए आप पीसी बिल्ड के शॉर्ट्स एंजॉय करो, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस यहां तक अगर बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज, मैं आपसे मिलता हूं अगली।